हेलो गाइस, आज हम इस ट्रांसफार्मर के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये ट्रांसफार्मर के ये दोनों एंड पॉइंट है और इसमें हम करंट का सप्लाई देंगे, जिसके कारण ये वाइब्रेट होता है और ये इससे कुछ साउंड भी निकलता है। उसी के मैकेनिज्म को हम जानेंगे, पहले के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक, ये ट्रांसफार्मर है और इसका ये एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट इसका ये है। इसमें हम करंट का सप्लाई देंगे और इसमें करंट का सप्लाई देने के बाद ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये वाइब्रेट करता है। उसी को आज हम जानेंगे कि क्यों इसमें करंट का सप्लाई देने के बाद ये वाइब्रेट करता है और ये या इससे साउंड निकलता है। इसमें हम ये दोनों मेरा सप्लाई का वायर है और इसमें हम करंट का सप्लाई देंगे। अभी इसमें जोड़ दिए, अब हम इसमें करंट का सप्लाई देंगे 220 वोल्ट, तब ये वाइब्रेट करेगा और साउंड भी करेगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसके दोनों एंड के वायर पे हम करंट का फ्लो देंगे, 220 वोल्ट देंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे, इसके मैकेनिज्म को जानेंगे कि क्यों ये वाइब्रेट करता है और ये साउंड करता है। उससे पहले हम करंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये करंट का वायर है और इसमें जब करंट का फ्लो करवाते हैं तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें जो हम फ्लो करवा रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो साइनोसोइडल होता है, जो कि अपने टाइम पर वैरी करते रहता है। 0 से शुरू होता है और बढ़ के पॉजिटिव मैक्सिमम जाता है, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, इसी करके ये बढ़ता और घटता है। जब हम किसी भी वायर में करंट का फ्लो करवाते हैं तो जब वो मैक्सिमम पे रहता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बनता है, और जैसे जैसे वो कम होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता है, और जब वो 0 हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता है। फिर नीचे उसका डायरेक्शन जब अपोज होता है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फिर वो धीरे धीरे जाकर 0 हो जाता है। इसी के कारण जब कॉइल का जो वायर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। इस ट्रांसफार्मर में जब हम करंट का फ्लो करवाते हैं ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कोर के द्वारा फ्लो करता है। इसी के कारण ये कोर भी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण ये एक्सपेंड और कॉन्स्ट्रेक्ट होता है, फैलता और सिकुड़ता है। इसके कारण ये वाइब्रेट करता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।